दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मोदी सरकार के मंत्रियों की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या पत्रकार केवल वाहवाही करने के लिए बुलाए जाते हैं, तालियां पीटने के लिए बुलाए जाते हैं? मोदी सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार पोल खोलने लगे तो मंत्री जी की हालत खराब हो गई। दरअसल दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ फरीदाबाद, आपने सुना होगा, वहां गृहमंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है जिसको लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पत्रकारों ने स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोल खोलते हुए मंत्री जी से सवाल पूछने शुरू कर दिए कि जब फरीदाबाद में इतना कूड़ा है, सड़कों की हालत खराब है, तो आपसे विनती है कि अमित शाह को हेलीकॉप्टर की बजाय आप सड़क से रैली स्थल पर ले जाइए ना, जरा उनको भी तो पता चले कि फरीदाबाद की क्या गत कर रखी है। पत्रकार स्मार्ट सिटी की पोल खोलने लगे तो कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, सड़क से तो जाएंगे, हेलीपैड के बाद सड़क से ही रैली स्थल पर जाएंगे। गृह मंत्री जी को सड़क के माध्यम से प्लेटफॉर्म तक लाया है। सड़क के माध्यम से आ रहे हो? हेलीपैड बनाया ना आपने, वहाँ उतारो। अरे आप कह रहे ना हेलीपैड तो है, लेकिन वो सड़क के माध्यम से आप सड़क के माध्यम से। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल तो बड़ा मासूम है मंत्री जी से कि दिल्ली से फरीदाबाद तक किसी को हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है? मतलब दिल्ली और फरीदाबाद में डिस्टेंस में फर्क ही कितना है? क्या अमित शाह जैसे नेता इतने वीवीआईपी हो गए कि इतनी दूर भी हेलीकॉप्टर के बिना नहीं चल सकते? अब अमित शाह से भी सड़कों का क्या ही बुरा हाल छुपाना। जब पत्रकारों ने कहा कि हर तरफ शहर में कूड़ा फेंका रहता है, मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय पत्रकारों पर ही भड़कने लगे और कहने लगे, आप ही उन सफाई कर्मचारियों को समझाइए ना जो बार बार हड़ताल करते हैं। देखिए बात सुनिएगा, आप भी सहयोग करें, आप भी कहो जो ये स्ट्राइक है, हर बार स्ट्राइक होती है, कोई दूसरा काम नहीं करता, उनको समझाओ कचरे के ढेर समझाओ। यानी सफाई कर्मचारियों को समझाने की जिम्मेदारी भी किसकी? रिपोर्टरों की। मोदी सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हैं, है ना? पत्रकार लगातार मंत्री जी को आईना दिखाते रहे, फरीदाबाद के हालात को लेकर सवाल पूछते रहे। मंत्री जी ने कहा कि सवाल छोड़िए, खाने का आनंद लीजिए, क्योंकि खाने का इंतजाम किया गया था रिपोर्टरों के लिए। अब आप खाना खाओ सारे। मंत्री जी का स्मार्ट सिटी की हालत पर सवालों से भागना, दोस्तों ये दिखाता है कि देश में स्मार्ट सिटी का दावा कितना बड़ा जुमला साबित हुआ है। इतना बड़ा जुमला जिसकी बात अब बीजेपी वाले भी करने से बचते हैं। देश के कितने शहर स्मार्ट हो गए और स्मार्ट सिटी के नाम पर कितने वोट बटोर लिए गए, ये हम सब जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए कि मोदी सरकार के मंत्री को क्या शोभा देता है कि वो NCR के एक इलाके की खस्ता हाल सड़क और कूड़े करकट पर अगले बगले झांकते रह जाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों हमारे फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।